तो आज हम लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट में फेसियोला हेपेटिका के डिफरेंट लार्वा स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि इसके डिफरेंट लार्वा स्टेज क्या है। इसके डिफरेंट लार्वा स्टेज में फर्स्ट लार्वा स्टेज मिरासीडियम लार्वा होता है, आफ्टर दैट स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, फिर सर्केडिया एंड मेटा सर्केडिया, यानी फाइव लार्वा स्टेज है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा क्या है? फर्स्ट लार्वा स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका इज क्या है? मिरासीडियम लार्वा। अगर मिरासीडियम लार्वा को हम एक्सटर्नली देखें और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो अगर एक्सटर्नली देखें तो एक्सटर्नली क्या देखेंगे, ये अबाउट इसकी साइज क्या होती है, 0.07 mm लॉन्ग है। एंटीरियर एंड के पास क्या है, ये आपका ब्रॉड एपिकल लोब है जिसको हम क्या कहेंगे, एपिकल पैपिला, और एपिकल पैपिला ओपनिंग इनटू द एपिकल ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाहर ये एक्सटर्नल में नहीं दिखेगा, इंटरनल में दिखेगा कि क्या है इसके पास, एपिकल पैपिला किसमें ओपन है, एपिकल ग्लैंड में, यानी एपिकल ग्लैंड ओपन इनटू ए एपिकल पैपिला। और ये क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है और पेनिट्रेशन ग्लैंड इसमें ऑल्सो आपका ओपन होता है। ये दो आप देख रहे हैं एपिकल पोर्शन में ही, क्या ये दो पेनिट्रेशन ग्लैंड जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अगर देखें तो पूरी लार्वा जो है मिरासीडियम लार्वा एक्सेप्ट खुद पोजीशन आपका एपिकल पैपिला को छोड़ के आपका चारों तरफ से ये क्या होता है, सिलिएटेड होता है। यहां आप देख सकते हैं इट इज द सिलिएटेड एक्सेप्ट एपिकल लोब। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 21 हेक्सागोनल एक्सटर्नल प्लेट है। क्या है, 21, आप ये देख सकते हैं अलग अलग प्लेट्स मैंने बनाया अगर एक्सटर्नली देख रहे हैं तो कितने हैं ये नंबर, क्या है ये नंबर है प्लेट्स के 21, जो क्या है 5 रो, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 5 रोज में होते हैं 21 एक्डर्मल हेक्सागोनल सेल और 5 रोज है। तो इन रोज को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख ले कि फर्स्ट रोज में कितने होते हैं सेल, 6 सेल, बहुत आसान से आप याद कर सकते हैं। सेकेंड रोज में क्या है, ऑल्सो 6, थर्ड रोज में आपका 3, 4 में आपका 4 एंड 5 रोज में क्या है 2। तो देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग, बहुत इजीली याद करेंगे, 6, 6 और उसका आधा कर देंगे 3 और फिर 4 और 4 का आधा कर देंगे 2, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। अब ये 6 रोज में आपका 2 डॉर्सल, 2 वेंट्रल और 2 लैटरल सेल है, मीन्स 2 डॉर्सल होगा, 2 वेंट्रल और 2 लैटरल। आफ्टर डेट आपका दूसरा 6 रोज में क्या होगा, 3 डॉर्सल, 3 वेंट्रल। थर्ड रोज में 1 डॉर्सल और 2 वेंट्रोलैटरल रोज होगा। 4 रोज में 2 राइट और लेफ्ट, देख सकते हैं बैट बन गया राइट और लेफ्ट, और इसी तरह क्या होगा, 2 आगे का दिख रहा, 2 पीछे का, उसी तरह लास्ट रोज में क्या होगा, 1 राइट और 1 लेफ्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्या हो गया, ये 21 डर्मल प्लेट है। अगर हम अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हम लोग इजिली देख लिए कि ये बाहर तरफ से सिलिएटेड दिख रहा है, एपिकल पैपिला दिख रहा है, इसके पास आई स्पॉट दिख रहा है और 21 इपिडर्मल प्लेट्स दिख रहा है। लेकिन जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, जस्ट बिलो द इपिडर्मल प्लेट थिन लेयर ऑफ इपिडर्मल मस्कुलेचर। आप यहां देख सकते हैं कि इपिडर्मल प्लेट के जस्ट नीचे क्या है, मस्कुलेचर का लेयर है। ये लेयर क्या है, मस्कुलेचर का, यानी मसल्स का लेयर। मसल्स लेयर में क्या है, आउटर सर्कुलर और उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो सेम ऐसे है, क्या है आउटर सर्कुलर मसल एंड नीचे इसके जस्ट नीचे क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अंडरनीथ जब उसके जस्ट तुरंत नीचे दिखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये लेयर जो मैंने रेड कलर का बनाया है, तो ये लेयर क्या है, सब इपिथेलियल लेयर। क्या है ये, सब इपिथेलियल लेयर है और सब इपिथेलियल लेयर। और आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ, आप यहां देख सकते हैं फ्लैम सेल, ये क्या स्ट्रक्चर है, पेयर ऑफ फ्लैम सेल, मतलब सेल फ्लैम सेल दिख रहा है और एक्सक्रीटरी पोर दिख रहा है। ठीक है, ये आउटसाइड कैसे खुला है, एक्सक्रीटरी पोर और फ्लैम सेल, और साथ ही साथ क्या है आपका पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया और के साथ ये क्या है, बीचों बीच आप क्या देख सकते हैं, जर्म सेल। इसके अंदर मिरासीडियम के अंदर क्या है, बहुत सारा जर्म सेल है। और इन एडिशन इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं कि आपका क्या है, एपिकल प्लेट है, यानी एपिकल पैपिला जो एपिकल ये पार्ट है वहां पे क्या है, एपिकल ग्लैंड है, और इस एपिकल ग्लैंड में आपका 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड ओपन हो रहा है, और ये क्या है आई स्पॉट है, और ये चारों तरफ से क्या है कंटेन कर रहा है ब्रेन पार्ट को। यानी मिरासीडियम
क्या है, आई स्पॉट कंटेन कर रहा है, लार्ज ब्रेन कर रहा है, एपिकल ग्लैंड कर रहा है, पेनिट्रेशन ग्लैंड आप इसको देख सकते हैं, ये इजिली क्या कर सकते हैं, इसके पाथ में जो भी आएगा उसको वो पेनिट्रेट कर सकता है, तो ये पेनिट्रेशन ग्लैंड ग्लैंड है और जस्ट पेनिट्रेशन ग्लैंड आप ये देख सकते हैं, पेनिट्रेशन ग्लैंड है और ये इसको हम सिफेली ग्लैंड भी कहते हैं। तो मिडासीडियम फीडिंग स्टेज लार्वा का नहीं है और ये पानी में एक्टिवली क्या करेगा, स्विम करेगा इन सर्च ऑफ सेकेंडरी होस्ट। जैसे ही सेकेंडरी होस्ट ये क्या करेगा, फीडिंग नहीं करेगा, पानी में आपका स्विम कर एक्टिवली और इन सर्च ऑफ, जैसे ही इसको सेकेंडरी होस्ट क्या है या इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, स्नेल, जैसे ही इसको स्नेल किया तो ये क्या करेगा, एपिकल ग्लैंड से उसको बोरिंग करेगा, उसके टिश्यू को बोरिंग करेगा और पेनिट्रेशन ग्लैंड से आपका जो सिक्रीशन होगा उससे वो बोर करके क्या करेगा, ये सेल को पूरा अपने जो एक्सटर्नल जो प्लेट है या सेल है उसको क्या करेगा, कास्ट ऑफ कर देगा और उससे सिक्वेंजिंग होके उसके अंदर घुस जाएगा और उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसके सॉफ्ट टिश्यूज में इंटर हो गया। ऐसे ही क्या है कि ये किसी के भी, इसके पाथ में जो भी आए, कोई भी ऑर्गेनिज्म आए, कोई भी ऑब्जेक्ट आए, सबको ये पेनिट्रेट कर सकता है क्योंकि इसके पास पेनिट्रेशन ग्लैंड या सेफेलिक ग्लैंड है। लेकिन जब इसको फाइनली ये सर्वाइव तभी कर पाएगा नेक्स्ट स्टेज में, जब ये आपको क्या मिले, इसको स्नेल सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, और 24 आवर्स में अगर ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट को नहीं खोल रहा तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा यानी मर जाएगा। और इस तरह वो पेनिट्रेट करके उसके लिम्फ, मतलब सॉफ्ट टिश्यू से आपका पेनिट्रेट करके आपके उसके लिम्फ ग्लैंड से फाइनली कहाँ चला आएगा, उसके पल्मोनरी सैक से फाइनली उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट स्टेज लार्वा का स्टार्ट होगा जिसको स्पोरोसिस्ट कहते हैं। यानी मिडासीडियम के बाद तुरंत क्या होगा, इन्फेक्शन टू नेक्स्ट आप जो स्टेज ऑफ लार्वा, यानी इन्फेक्शन टू नेक्स्ट यानी स्नेल में। तो हम अब देख लेते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा का स्ट्रक्चर कैसा है। सेकेंड लार्वा स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोसिस्ट लार्वा आफ्टर मिडासीडियम, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में चेंज हो जाता है। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्या होता है, मिडासीडियम लॉसेस इट्स एपिकल ग्लैंड, पेनिट्रेशन ग्लैंड, ब्रेन, आई स्पोर और चेंज इनटू ए सैक लाइक स्पोरोसिस्ट। और अगर सैक लाइक स्पोरोसिस्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सैक लाइक स्पोरोसिस्ट अबाउट कितना होता है, ये 0.7। मिडासीडियम क्या था, 0.07 mm था, अब ये क्या हो गया, 0.7 mm लॉन्ग हो गया। अगर बॉडी वॉल की बात करें तो ये बॉडी वॉल रिटेन करता है सारे लेयर जो मिडासीडियम करता था, मिडासीडियम लार्वा, एक्सेप्ट क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम, वो सिलिएटेड एपिथेलियम को नहीं कंटेन करता, बाकी सारे बॉडी वॉल का वही लेयर है। यानी इट कंसिस्ट क्या करेगा, बाहर की तरफ आप देख सकते हैं क्यूटिकल, बाहर की तरफ क्या है, थिन लेयर क्यूटिकल, दस्ट बीनीथ क्या है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अगर इसकी वाइड इंटीरियर की बात करें कि इंटीरियर में जो चौड़ा इंटीरियर सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या कंटेन करता है, तो वाइड इंटीरियर पार्ट क्या करेगा, ऑक्यूपाइड प्रोटोनेफ्रिडिया, आप यहां देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया एंड जर्म सेल। और प्रोटोनेफ्रिडिया जो है, इच प्रोटोनेफ्रिडिया कंटेन टू फ्लेम सेल, कितना कंटेन कर रहा है, टू फ्लेम सेल, देखिए एक और दो, इन दोनों साइड में क्या बोलोगे, टू फ्लेम सेल। And it originate into a single opening, same opening में बाहर की तरफ on the surface पे, sac like surface जो sporocyst का है उस पर open हो रहा है, इस opening को क्या कहेंगे, opening of protonephridia, यानी two flame cell open in a single opening of protonephridia। और interior की अगर हम बात करें तो आप क्या देख सकते हैं कि rudimentary gut भी also present और germ cell, ये जो germ cell मैंने बनाया, जर्म सेल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन एंड प्रोड्यूस मेनी, आपका क्या देख सकते हैं, रेडिया लार्वा, ये बहुत सारे रेडिया लार्वा बनाता है। लेकिन सम टाइम जर्म्स बॉल ऑल्सो प्रोड्यूस डॉटर, कौन सा डॉटर, क्योंकि हम डॉटर शब्द यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि ये ऑल्सो प्रोड्यूस डॉटर स्पोरोसिस्ट लार्वा। तो अगर एक सिंगल स्पोरोसिस्ट लार्वा की बात कर रहे तो ये अबाउट 5 to 8 रेडिया लार्वा को कंटेन कर सकता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो बड़ा हो गया है ये क्या हुआ, ऑल्डर रेडियल लार्वा, और जो नया परफॉर्म कर रहा बॉम जाम बॉल से ये क्या है, यंगर रेडियल लार्वा। तो क्या है ये स्पोरोसिस्ट लार्वा, क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक प्रोसेस है जिसको पेटियोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि लार्वा, आप सोचिए इसके लार्वा के अंदर जर्म सेल है, यानी लार्वा ही मैच्योर कंडीशन में आपका हो रहा है। क्योंकि वो क्यों मैच्योर यहाँ पे क्यों कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ पेटियोजेनेसिस लार्वा के अंदर लार्वा, तो ये प्रोसेस पेडोजेनेसिस का है। तो ये क्या बना रहा है, सेम अपना स्पोरोसिस, डॉटर स्पोरोसिस भी बना सकता है और रेडियल लार्वा भी बना सकता है। तो नेक्स्ट स्टेज लार्वा क्या है, रेडियल लार्वा, थर्ड लार्वल स्टेज कॉल रेडियल लार्वा। तो रेडियल लार्वा को आप देख सकते हैं इजिली, रेडियल लार्वा कैसा है आपका, ये सिलिंड्रिकल सैक लाइक इलोंगेट स्ट्रक्चर है, इसके एंटीरियर टिप पे माउथ है, माउथ लीड कर रहा फेरिंग्स में, फेरिंग्स क्या कर रहा है आपका फेरेंजियल ग्लैंड को ओपन कर रहा है, और फाइनली क्या है इसके अंदर गट है। एंटीरियर इंड पे आपको ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम कॉलर सेल कहेंगे, ठीक है। जस्ट आपका किसका, मस्कुलर के मसल्स या फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स के जस्ट पीछे, और कॉलर के जस्ट पीछे एक पोर है, छिद्र है जिसको हम बर्थ पोर कहेंगे, और यही बर्थ पोर से क्या होता है आपके नेक्स्ट जनरेशन का लार्वा जो है वो स्केप आउट होता है या बाहर आता है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इट कंटेन जर्म बॉल्स या जर्म सेल, और यही जर्म सेल या जर्म बॉल्स क्या करेगा, रिपीटेड डिवीजन करके क्या बना देगा, सर्कैरियर लार्वा या रेडियल लार्वा। कब बनाएगा अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये आप देख सकते हैं फ्लेम सेल, पूरी बॉडी कवर्ड है थिन क्यूटिकल्स है, और क्यूटिकल्स के जस्ट नीचे क्या है, सब एपिथेलियल लेयर जैसे होता है। तो यहां मैंने दो फिगर बनाया, एक देखिए रेडिया के अंदर सर्केरिया लार्वा और रेडिया के अंदर क्या, रेडिया लार्वा। तो ये कंडीशन कब होता है, जब जर्म सेल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन है, जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन है, फूड एबल है, हर चीज टेम्परेचर सही है, तो समर सीजन में ये क्या करेगा, रेडिया ही क्या करेगा, जर्म बॉल से फर्दर आपने क्या बनाएगा, डॉटर रेडिया का फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग द समर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है आप पूछता ऑब्जेक्टिव में। और ड्यूरिंग विंटर सीजन या ऑटमन सीजन में यह क्या बनाएगा, रेडियल लार्वा जर्म बॉल में डिवाइड करके, जर्म बॉल डिवाइड करके रेडियल लार्वा क्या बनाएगा, नेक्स्ट जनरेशन लार्वा जिसको हम कहेंगे सर्केरिया लार्वा। तो सर्केरिया लार्वा कैसा है, सैक लाइक और इसके पास टेल है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है, इट इज इलोंगेट एंड सिलिंड्रिकल शेप है, कैसा है, इलोंगेट है और सिलिंड्रिकल शेप है। इट कम आउट बाय ए रप्चर ऑफ स्पोरोसिस बॉडी वॉल, स्पोरोसिस के बॉडी वॉल से ये रप्चर करके ये क्या करता है, बाहर आता है। कवर्ड बाई ए थिन क्यूटिकल सिक्रेटेड बाई सब एपिथेलियल लेयर, आपको पहले ही मैंने बता दिया। एट द एंटीरियर एंड इज ए स्मॉल माउथ मस्कुलर सर्टोरियल फेरिंग्स विथ यूनिसेलुलर फेरेंजियल ग्लैंड, आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, मस्कुलर और मस्कुलर फेरिंग्स क्या ये कर रहा, कंटेन कर रहा है यूनिसेलुलर फेरेंजियल ग्लैंड, और जस्ट स्लाइटली पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स एंटीरियर सराउंडेड बाई मसल्स बैंड या मस्कुलर बैंड, आप ये देख सकते हैं मस्कुलर बैंड जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉलर कह रहे हैं। और पोस्टीरियर इंड पे आप एक क्या देख सकते हैं, पोस्टीरियर इंड के पास क्या है, अ कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल प्रोक्रुस्कुलर और लैपेट, याद रखिएगा लैपेट, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं लैपेट, ये निकला हुआ स्ट्रक्चर क्या है, लैपेट। तो आपका कॉलर एंटीरियर में है और लैपेट पोस्टीरियर में है। और इंटीरियर ऑफ द बॉडी की अगर बात करें तो ये फील्ड है जर्म सेल से या जर्म बॉल से, जो हाईली ब्रांच्ड है, और इस जर्म सेल है और इसमें क्या है, हाईली ब्रांच फ्लेम सेल है। एक्सक्रीटेड डक्ट की बात करें तो एक्सक्रीटेड डक्ट ओपन हो रहा है पेयर्ड एक्सक्रीटरी बॉल, और सबसे ये की बात है कि ड्यूरिंग आपका ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो करेगा, जर्म सेल फर्दर डिवाइड करेगा, रिपीटेड डिवीजन से क्या होगा, डिवाइड करेगा, और फाइनली वो क्या बनाएगा, समर में जस्ट रेडिया के अंदर रेडिया लार्वा आप ये देख सकते हैं, और विंटर या ऑटमन सीजन में क्या करेगा, रेडिया लार्वा के अंदर क्या बनाएगा, सर्केरिया लार्वा। सेल में क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में इधर से उधर उसको वो घूम रहा है, लेकिन फाइनली ये कहाँ पहुंचता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इस तरह ये नेक्स्ट लार्वा में आपका जाता है। नेक्स्ट लार्वा स्टेज क्या है हमारा, सर्केरिया लार्वा। आफ्टर दैट सर्केरिया लार्वा, तो सर्केरिया लार्वा क्या होता है, आप सर्केरिया लार्वा आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, इजिली फिगर में देख सकते हैं कैसा है, हॉर्न शेप या ओवल शेप जिसके पास एक टेल है, और इसके एंटीरियर टिप पे क्या है, ये माउथ लीड कर रहा है, ओरल सर्कल इसको चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, माउथ लीड कर रहा है किसमें, आपका मस्कुलर फेरिंग्स में, फाइनली ऑसोफेगस और ऑसोफेगस इंटू ए स्मॉल गट, और गट क्या है, दो पार्ट में, जैसे एडल्ट की ही तरह इसके सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एडल्ट फ्लूक के ही तरह, और ये दो भाग में बाइफर्केट हो जाता है जिसको हम कहेंगे गट सिक्का,
और दोनों तरफ आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये क्या है, आपका फ्लेम सेल और सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल। सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल जिसको सिस्ट सेल ग्लैंड सेल भी कहते हैं, ये क्या करता है, इस बॉडी के चारों तरफ, इसके बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा जब ये मेटा फर्दर मेटा सर्केरिया लार्वा स्टेज में जाएगा। तो ये सर्केरिया है, आफ्टर द सर्केरिया तो यही सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल क्या करेगा, चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके साइड में ही दे सकते हैं ये ब्रांचिंग क्या है, फ्लेम सेल है, दोनों तरफ पेयर ऑफ ब्रांचिंग फ्लेम सेल है। और फाइनली ये आपका कहाँ मिल रहा है, आपका जहां पे ये दोनों ब्रांचिंग प्रोटोन या फ्रीडिया का या फ्लेम सेल का मिल रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सक्रीटरी वेसिकल्स। और फाइनली ये ओपन हो रहा है सिंगल एक्सक्रीटरी डक्ट एक्सक्रीटरी पोर, और ये आप देख सकते हैं टेल। तो ये क्या है, सर्केरिया लार्वा है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज है। तो अब इसके बारे में हम डीपली स्टडी कर लेते हैं कि है क्या। तो सर्केरिया लार्वा इज रेडी टू प्रोड्यूस 40 सर्केरिया लार्वा। तो सर्केरिया लार्वा इज ए फ्री स्विमिंग लार्वा, क्या है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है और इट कम्स आउट फ्रॉम द रेडिया थ्रू ए बर्थ पोर एज वेल एज फ्रॉम स्नेल बाय प्रेजेंस ऑफ पेरिविसरल स्पेस एंड बिटवीन, ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 9 to 26 डिग्री टेम्परेचर। अदरवाइज मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर्केरिया लार्वा कैसे आपका रेडिया लार्वा के बर्थ पोर से ओरिजिनेट हो रहा और फाइनली ये क्या कर सकता है, स्नेल में आपका माइग्रेटरी मतलब मूवमेंट करेगा और न्यूट्रिशन के लिए मूवमेंट करेगा और फाइनली वहां से भी स्केप आउट करेगा वॉटर में, क्योंकि ये फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होगा। बॉडी इसकी क्या है, ओवल इन शेप विथ ए लॉन्ग सिंपल टेल, ओवल आप देख सकते हैं और सिंपल लॉन्ग टेल है। मेजरिंग कितना, इसकी मेजरिंग कितनी है, 0.25 से 0.35 mm इन लेंथ है। बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टेगुमेंट सर्कुलर मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल डायगोनल मसल्स फाइबर एंड मेसेनकाइमा जस्ट लाइक पैरेंट, यानी पैरेंट की तरह, यानी जो फेसियोला हेपेटिका के जितने बॉडी वॉल थे उसी तरह बाहर की तरफ क्यूटिकल्स का लेयर। बीनीथ उसके जस्ट नीचे क्या है, मस्कुलर लेयर कंटेन करता है सिस्टोजेनस ग्लैंड विच विल फॉर्म ए सिस्ट ऑफ फ्यूचर लार्वा। आपको मैंने बताया कि चारों तरफ वो क्या करेगा, जब सर्केरिया लार्वा ये हमारा क्या करेगा, जब ये अपना टेल को लॉस करेगा तो उस समय क्या करेगा, ये चारों तरफ एक एक्स्ट्रा सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा, कौन, सिस्टोजेनस ग्लैंड। और जस्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट माउथ ओरल सकर फेरिंग्स ओसोफेगस एंड फॉक्स इंटेस्टाइन एसिटाबुलम प्रेजेंट बिटवीन देम। आप देख सकते हैं कि फॉक्स इंटेस्टाइन या गट के बीच में क्या है, एसिटाबुलम है, माउथ है, आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स कैसा है, मस्कुलर, देन ओसोफेगस एंड गट और इंटेस्टाइनल लिम्ब। फ्लेम सेल इंक्रीज इन द नंबर, नेफ्रिडियल ट्यूब यूनाइट टू फॉर्म ए एक्सक्रीटरी वेसिकल्स, एक्सक्रीटरी वेसिकल्स यहां देख सकते हैं। फाइनली ये ओपन होता है टेल में ओपन होगा और बाई ए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, खास तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, जर्म सेल, यानी जर्म सेल रिप्रेजेंट द जेनाइटल रिड्यूमेंट्स, क्या है ये, जेनाइटल रिड्यूमेंट्स पार्ट अब बनाएगा फर्दर और आफ्टर फ्री स्विमिंग लाइफ ये क्या होगा, इंसिस्टेड हो जाएगा, यानी सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली क्या करेगा, सेटल डाउन ऑन वाटर प्लांट पे ये सेटल डाउन करेगा और लॉस करेगा अपने टेल को, क्यूटिकल्स को, स्पाइन को, ये सबको लॉस करेगा और सिस्टोजिनस ग्लैंड जो है वो चारों तरफ क्या करेगा, सिस्ट का फॉर्मिंग करेगा और फाइनली नेक्स्ट स्टेज लार्वा जिसको हम क्या कहेंगे, मेटा सर्केरिया लार्वा में ये चेंज हो जाएगा। तो फ्री स्विमिंग लार्वल है ये, फीडिंग स्टेज भी है और लगभग 35 to 65 डेज ये आपका कहाँ से, फ्रॉम मिरासीडियम टू आपका सर्केरिया लार्वा तक ये लगभग इतना डेज आपका ये बनने में लगता है और इस तरह ये स्विमिंग करेगा और फाइनली कहाँ जाएगा, एस्केप आउट होगा और फाइनली वो पानी में जाएगा और पानी में आपके जो भी एक्वेटिक प्लांट है उसके सरफेस पे वो क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और नेक्स्ट स्टेज लार्वल स्टेज जिसको हम क्या कहेंगे, मेटा सर्केरिया लार्वा में इंटर करेगा। तो अब हम देख लेते हैं मेटा सर्केरिया लार्वा के बारे में, आफ्टर दैट मेटा सर्केरिया। तो मेटा सर्केरिया लार्वा आप इजिली देख सकते हैं कि मेटा सर्केरिया लार्वा क्या है, मेटा सर्केरिया, क्योंकि सर्केरिया लार्वा फर्दर किस में आपका चेंज हो रहा है, मेटा सर्केरिया, उसके पास क्या था, सिस्टोजेनिक ग्लैंड था जिससे वो सिस्ट चारों तरफ कवर करता था। तो आप ये देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको कहेंगे सिस्ट वॉल, जस्ट उसके सिस्ट वॉल के अंदर क्या है, माउथ है, ओरल सकर है, फैरिंग्स है, ओसोफेगस है और इंटेस्टाइन है और इन बिटवीन द इंटेस्टाइन ये क्या है, एसिटाबुलम, ठीक है। आफ्टर दैट आप
आप ये देख सकते हैं यहाँ फ्लेम सेल उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है और एक्सक्रिटरी वेसिकल्स। तो हम इसको देख लेते हैं कि अबाउट 1000 मेटासर्केरिया मे बी फाउंड अटैच्ड टू ए सिंगल ग्रास ब्लेड। ठीक है, ग्रास के ब्लेड से, ग्रास ब्लेड से क्या होता है, अबाउट क्या है 1000 मेटासर्केरिया लार्वा जो है प्रेजेंट रहता है कहां पे, एक्वेटिक प्लांट में। और ये क्या है, राउंडेड फॉर्म अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। इट इज अ जुवेनाइल फ्लूक। क्या है, जुवेनाइल फ्लूक है इसलिए क्योंकि जस्ट लाइक एडल्ट की तरह ये दिखता है। और इस मेटासर्केरिया लार्वा को हम मराइटा भी कहते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में मराइटा भी पूछ सकता है। डिफर फ्रॉम सर्केरिया, सर्केरिया लार्वा से ये डिफर क्यों है, बिकॉज इट हैज ए राउंडेड फॉर्म। आप देख सकते हैं कि इसके पास राउंडेड फॉर्म है, जबकि सर्केरिया के पास क्या था, ओवल बॉडी थी और क्या था, टेल था। ठीक है, तो इससे ये डिफर है। थिक हार्ड सिस्ट है, इसके पास सिस्ट है एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल, और इसके पास टेल नहीं है। सिस्टोजेनिक ग्लैंड भी नहीं है। एक्सक्रीटरी ब्लैडर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ओपन आउट थ्रू ए सिंगल पोर। फाइनली जर्म सेल या जेनाइटल जो रुडिमेंट्री जस्ट आर प्रेजेंट एज सच एज सर्केरिया लार्वा। सिस्ट प्रोवाइडेड, सिस्ट ये जो है वो क्या काम करता है, सिस्ट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ डेसिकेशन एंड इट डेवलप इनटू द एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड डेफिनेट होस्ट और सीड। तो अगर इसको एडल्ट होस्ट फिर से मिलेगा तो ये क्या करेगा, प्राइमरी होस्ट में फिर से इन्फेक्शन करेगा और अपने लाइफ साइकिल को पूरा करेगा, और इस तरह ये क्या करेगा, लास्ट लार्वल स्टेज है किसका, आपका फेसियोला हिपेटिका का, जिसको हम मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और लाइफ साइकिल, ये वीडियो सिर्फ लार्वल स्टेज का था और लाइफ साइकिल में हम इसको दोबारा से डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, वहां पे मैं पॉइंट आउट करके आपको बताते जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके।